सऊदी अरब से अब कुछ मौसम की सूरत हाल। जी हाँ, जो सऊदी अरब रहने वाले हैं वहाँ के लिए मौसम का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुम्मा 23 अप्रैल को सऊदी अरब में बेशतर इलाकों में मतलब जज्वी तौर पर अबर आलूद रहने की इतला दी है, यानी बादल छाए रहेंगे, गर्मी कम होगी। जबकि उन्होंने कहा है कि जाज़ान, उमैर, बाहा और मक्कम करमा के बलाई इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ रात में बारिश और ज़्यादाबारी भी हो सकती है। पिछले दिनों हमने देखा कि इस मौसम में भी सऊदी अरब में ज्वालाबारी और तेज़ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि बड़ी एक अनहोनी बात है। इस मौसम में गर्मी की वजह होती है, जबकि मौसम में की चेंजिंग्स की वजह से वहाँ पर जो है वो बिन मौसम हमने ज्वालाबारी देखी। कौमी मरकज़ ने यह भी बताया है कि दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मक्कम करमा का, और कम से कम 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा अबहा के इलाके में। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने एक और बयान जारी किया है। उसका कहना है कि जुम्मे से मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश भी होगी और यालावारी भी हो सकती है, यानी तेज़ बारिश का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये इलाके जिसमें असीर, बाहा, जाज़ान, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा रीजन, इनमें बारिशें जो हैं वो सैलाबी शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। सो आबी इलाकों के साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, तो यहाँ के लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएँ। इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मज़ीद अपडेट आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।